दिस प्रैक्टिकल दैट इज आकांक्षा एंटरप्राइज लिमिटेड, ये हमने पूरा लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक अपना हो गया सॉल्व कर लिया हमने, मतलब 10 एंट्री वी हैव डन इट अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अभी सेकंड और थर्ड का अपने को रिडम्पशन प्रोसेस कैरी आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला देखो कहां तक सॉल्व किया था वो भी दिखा रहा हूं, आई विल शो यू ऑल। सो वी हैव सॉल्व दिस टिल हियर, दैट इज 10th एंट्री। ठीक है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट अपना क्लियर हो गया, बराबर है, 4000 डिबेंचर क्लियर। अब सेकंड वाला 4000, फिर थर्ड वाला 4000, सो लेट्स कंटिन्यू। सो आपका जो 10th एंट्री का ईयर था वो 14-15, अब 11th एंट्री से जो आपका ईयर स्टार्ट होगा दैट विल बी व्हाट 15-16। सो दिखा दो ईयर, हेड ईयर, ईयर 2015-16, ईयर 2015-16, ठीक है, बहुत बड़ा ईयर 2015-16, ओके। चलो अब ईयर 2015-16 में सबसे पहला देखो रिडम्पशन करने के पहले क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और वो स्पेसिफिकली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट मेंशन किया है आपको मैंने स्पेशली, एंड इन्वेस्टमेंट इन कैश फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट मतलब हर इंस्टॉलमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है फिर इन कैश करना है, दैट्स इट। सो आ जाओ, अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेटा इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखो, सेकेंड रिडम्पशन आपका कभी होगा 31 मार्च 2016 पे, राइट, ये देख सकते हो ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सब दिया आपके लिए। सी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन आपका है 31 मार्च 2016, तो 31 मार्च 2016 के पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो डेट तो मेंशन किया नहीं है इसलिए क्या लेने का, 30th अप्रैल, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल का डेट ले लो। तो 30th अप्रैल 2000 क्या होगा, पहले जाना है ना, तो 30th अप्रैल 2015 रिडम्पशन के पहले क्रिएट होना चाहिए बच्चा। सो 30th अप्रैल 2015 आ जाओ, सो डेट इज व्हाट, अप्रैल 30। अभी ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर मतलब वही 2015 ही होगा, नॉर्मल सी बात है। एंट्री नंबर 11, सो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल। सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट, बराबर है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना इन्वेस्टमेंट करना बच्चों पता ही है आपको, अभी देखो नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है उसमें कितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है, 4000 डिबेंचर है कि नहीं, 4000 डिबेंचर, और फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100 के हिसाब से। सो यू कैन सी हियर 4000 डिबेंचर एंड फेस वैल्यू 1 डिबेंचर का 100 है, सो अमाउंट इज व्हाट, 4 लाख। सो आपको जितना रिडीम होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, अपकमिंग ईयर में, या फिर जो भी आ रहा है आपका रिडम्पशन नेक्स्ट, तो 31 मार्च 2016 को आ रहा है, सो कितना रिडम्पशन करना है आपको, मतलब कितना रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो 4 लाख का कितना परसेंट है बेटा, प्रोविजन के हिसाब से, लीगल प्रोविजन के हिसाब से 15% आपको करना है, 4 लाख का 15% जितना आपका रिडम्पशन करने वाले हो अभी उसका 15%, तो आप रिडम्पशन कितना करने जा रहे हो बेटा, 4 लाख ही करने जा रहे हो ना, तो 4 लाख का 15%, सो दैट विल बी व्हाट, आर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक दैट इज 15% ऑफ 4 लाख, तो 4 लाख का 15%, सो इट विल बी व्हाट, बराबर 60,000, बराबर 60,000, दिखा देना 60,000, दैट्स इट, बराबर। चलो
अभी इसके बाद नेक्स्ट 12th एंट्री अब बेटा क्या आ जाएगा ऑन रिडम्पशन. अब आप ऑन रिडम्पशन पे आ जाओगे रिडम्पशन के डेट पे. तो रिडम्पशन डेट इज व्हाट मार्च 31 है 2016 हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है ईयर तो लिखा ही आपने 15-16. सो ऑन रिडम्पशन पे सबसे पहले आपको क्या करना है द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट यू हैव टू इनकैश दिस इन्वेस्टमेंट. आप इस इन्वेस्टमेंट को पहले इनकैश कर लो यार इनकैश. रिडम्पशन घटाए मारे तो इन्वेस्टमेंट तो इनकैश हो गई. सो इन्वेस्टमेंट इनकैश होगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट भाई पैसा तो आया और ये इन्वेस्टमेंट गया. सो टू डी आर आई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अमाउंट इज व्हाट 60,000. चलो तो ऑन रिडम्पशन वी हैव व्हाट फर्स्ट एंट्री दैट इज इन कैश एंड आफ्टर दैट. चलो इन कैश के बाद क्या होगा अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन. यस और नो अमाउंट कितना पे करना है ऑन रिडम्पशन. तो एंट्री नंबर 13 विल बी अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की एंट्री. सो आ जाओ 13 डेट सेम रहेगा बेटा वही सेम मार्च 31 डेट विल बी सेम मार्च 31 ओके. सो आ जाओ अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी बेटा. क्या देना अपने को डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कितना परसेंट है 6% डिबेंचर्स. तो पहले 6% डिबेंचर्स लायबिलिटी आपका सेट ऑफ होने वाला है. सो डिबेंचर्स को डेबिट कर लो पहला. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस था अब सेट ऑफ का टाइम आ रहा है रिडम्पशन का टाइम तो उसको डेबिट करो. कितना डिबेंचर्स है हाउ मेनी डिबेंचर्स आर देयर. 4000 डिबेंचर्स है एट द रेट ऑफ 100. डिबेंचर के सामने तो फेस वैल्यू ही आएगा. सो फेस वैल्यू इज व्हाट 4 लाख. ठीक है 6% डिबेंचर 4 लाख. उसके बाद आपको प्रीमियम भी देना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आपका डेबिट हो जाएगा बेटा. दैट इज 4000 इंटू व्हाट. चलो कितना परसेंटेज कितना है 7% था ना ऑन रिडम्पशन. यू कैन सी हियर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज व्हाट वेयर इज इट हियर इट इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7% है. 7% तो 7% 100 का 7% दैट इज 7. सो 4000 इंटू 7 कर लो कितना हो गया 28000. 28,002 देना किसको है. लायबिलिटी अपनी होगी भाई देना किसको ये सब 6% डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स. सो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दैट्स इट. सो डिबेंचर होल्डर को कितना देना बेटा 4000 डिबेंचर्स है एट द रेट ऑफ 107. सो इट विल कम 4,28,000. So we have done with amount payable on redemption का एंट्री भी हो गया बेटा. अब अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सा आएगा. अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन तो हो गया अभी क्या करना है अपने को पेमेंट करना है. क्या करना है बेटा पेमेंट. तो पेमेंट का एंट्री 14th डेट विल बी सेम मार्च 31 सॉरी पेमेंट का एंट्री विल बी व्हाट. अब डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा और पैसा जाएगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो पास कर दो डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट.
So debenture holders account will be debited to bank account. ठीक है, so debenture holders account debit to bank account. कितना देना debenture holder को? 428. 4,28,000 received. और इधर 428. That's it. Paid हो गया. So amount paid भी हो गया बेटा. Now after that, चलो amount paid done. अब amount paid देखो, in cash हो गया on redemption पे, in cash हो गया, फिर amount payable on redemption का entry आ गया बेटा. And then we have passed the entry for amount paid. अमाउंट पेड के बाद क्या आता है पता है ना, DRR टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते जो, बट वो कभी ट्रांसफर करते हो? वो आप ट्रांसफर करते हो जब फुल रिडम्पशन होगा तब बेटा, फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होने के बाद, पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद ही ओनली यू हैव टू पास. आफ्टर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यू हैव टू पास द एंट्री ऑफ व्हाट, DRR टू जनरल रिजर्व. वो DRR आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बट आफ्टर फुल रिडम्पशन. यार अभी फुल रिडम्पशन नहीं हुआ है, अभी एक और लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है. देख रहे हो ना, अभी अपना यही हुआ है ना बेटा, 31st March 2016 तक हुआ है, 31st March 2016. अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग, तो चलो इसका भी प्रोसेस कर देते बेटा. लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाओ. सो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना है, बराबर है. सो चलो ईयर आपका क्या हो जाएगा, ईयर डियर, अब ईयर चेंज हो जाएगा 2016-17. सो ईयर ईयर हो गया 2016-17. चलो अब इसमें आ जाएगा, पहले तो वही इन्वेस्टमेंट करना है आपको. इन्वेस्टमेंट बच्चों आपको पता है कि आपका जो ईयर है 17, 31st March 2017 है, ठीक है. तो 31st March 2017 में क्या बेटा, 31st March 2017 में आपका रिडम्पशन होगा उस इंस्टॉलमेंट का, बट उसके पहले आपको क्या करना है. Before that, what you have to do? You have to what? Make a investment. तो चलो investment का date नहीं दिया तो 30th April लेंगे. Entry number 15. Yes. So आ जाओ. So क्या entry होगी बेटा? Directly entry will be what? Yes. सबसे पहला debenture redemption investment है. So debenture. Redemption investment account will be debited. ठीक है, to bank account. बाद में मैसेज करना दिव्या मेरे को. चलो debenture redemption investment account debit to bank account. चलो अभी याद रखो, debenture redemption investment to bank आ गया. कितना, वही सेम कितना है numbers, 4000 है, बराबर है. तो 4000 इंटू 100 मतलब कितना हो गया, 4 लैक्स. तो आपका वैल्यू हो गया 4 लैक्स. अब 4 लाख का कितना परसेंट है बेटा, यस 15%, राइट है. 4 लाख का देखो, ये लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 4 लैक्स ही है, समझे कि नहीं. सो 4000 इंटू 100 दैट इज 4 लैक्स. So 4 लाख का 15%, बराबर है. तो 4 लाख का 15% यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो कितना आ रहा है, 60,000. बराबर है, क्लियर. सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी हो गया सबका 15th one. Done everyone. चलो बेटा डायरेक्टली अब जो लास्ट रिडम्पशन है उसके पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, और उसका डेट क्या रहेगा, April 30, बराबर. क्योंकि 31st March 2017 को रिडम्पशन है, उसके पहले ही आपको क्या करना है, 31st March 2017 का रिडम्पशन है बेटा, उसके पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो आपने इन्वेस्टमेंट किया कभी, April 30.
भाई इन्वेस्टमेंट का डेट नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक व्हाट अप्रैल 30, दैट्स इट, बराबर। तो अप्रैल 30 हमने ले लिया, ठीक है, ऑन और बिफोर अप्रैल 30 तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बेटा इन्वेस्टमेंट हो गया ना, अब नेक्स्ट वही रिडेम्पशन का टाइम, सो रिडेम्पशन डेट मार्च 31, रिडेम्पशन डेट आ गया, सो मार्च 31 में अब करना क्या है बच्चों, मार्च 31 में व्हाट टू डू, चलो मार्च 31 में अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इन कैश, इन कैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो इन्वेस्टमेंट इन कैश करें, अभी इन कैश की एंट्री तो पता ही है, यू ऑल नो दैट इज बैंक आ जाएगा आपके पास, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक आ गया टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, गया टू डिबेंचर रिडेम्पशन व्हाट इन्वेस्टमेंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है, सो कितना इन कैश किया भाई, सेम 60,000, 60,000, दैट्स इट, 60, ओके, चलो, सो इनकैशमेंट हो गया। अब नेक्स्ट इनकैशमेंट के बाद क्या होगा बेटा, अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन का सेम एंट्री आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप, क्योंकि सेम ही है इंस्टॉलमेंट, सेम ही है 4,000 है, तो सेम 4,000 × 100 4 लाख, एंट्री पूरा कॉपी पेस्ट करना है बस, क्योंकि आपका नंबर भी तो सेम ही है ना, 4,000, 5,000 होता तो समझ में आता कि फिर 5,000 × 100 5 लाख ऐसा करना पड़ता, 5,000 × 735 ऐसा करना पड़ता ना बेटा, बट सेम ही है ना, तो चलो नेक्स्ट पास इट, नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट में रेडी कर रहा हूँ इसका, वही सेम कंटिन्यू, क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट अमाउंट, ये आपका LF, डेट और नंबर, सीरियल नंबर एक्स्ट्रा है, डेट है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट बनाना तो बना सकते, चलो सेम मार्च 31 पे अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन का एंट्री, चलो लेट्स पास इट, अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, सो एंट्री नंबर इज व्हाट बेटा, 17, याद रखो एंट्री नंबर क्या है अपना, 17 है, एंड वही सेम मार्च 31, मार्च 31 2017, ईयर तो लिखा ही है ना 1617, तो मार्च आया मतलब क्या हो गया, 17 ही हो गया ना, मार्च 2017, 31 मार्च 17, चलो अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, तो एंट्री पता ही है 6% डिबेंचर्स आपको देना है, रिडीम करना है 6% डिबेंचर्स, अकाउंट विल बी डेबिटेड, That is 4,000 debentures into 100, it will come 4 lakhs. ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट, दैट इज 4,000 डिबेंचर्स इनटू व्हाट, कितना है 7% दैट इज 7, सो ये हो गया 28,000, तू देना किसको बेटा, यस टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 4,000 × 107 4,000 × 107 So it will come 4,28,000
राइट, ये अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन का एंट्री हो गया कि भाई 6% डिबेंचर्स देना है 4000 × 100 का था, प्रीमियम भी देना है आपको 7%, दैट इज 100 का 7%, बराबर है 7 रुपीज के हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर 4000, तो किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। अब उसके बाद अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन के बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, पेमेंट, चलो पेमेंट कर दो। तो मार्च 31 क्या बेटा, पेमेंट, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट टू बैंक गोज आउट, कितना देना बेटा डिबेंचर होल्डर को, 4,28,000, सो 4,28,000, दैट्स इट, 4,28,000, बराबर बेटा। चलो तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक भी अपना हो गया, अब देखो फुल रिडम्पशन हो गया, पूरा डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया, राइट है। अगर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, फुल डिबेंचर रिडीम हो गया है, तो आपको क्या पास करना है, डीआरआर टू जनरल रिजर्व का एंट्री, आफ्टर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर व्हाट एंट्री यू हैव टू पास, यस डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो चलो लास्ट एंट्री सब हो गया अपना, तो लास्ट एंट्री विल बी DRR to General Reserve आपको ट्रांसफर करना। सो मार्च 31 दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, कहां ट्रांसफर करोगे आप, सेम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना बड़ा, अभी देखो DRR कितना था पूरा देख लो जरा, टोटल इधर देखो DRR आपने क्रिएट किया है पहले, यू कैन सी हियर आपका DRR किधर है, ये देखो सी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने DRR क्रिएट किया था जो स्टार्टिंग फ्रॉम 31st March 11th, 75 75 75 75, मतलब टोटल हो गया 3 लाख, बराबर है, कितना हो गया 3 लाख, तो ये पूरा 3 लाख आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किधर, GR में, दैट इज जनरल रिजर्व में, सो 3 लाख सो इट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दैट्स इट, हो गया डन। So, यहां हो गया ये अपना सम फिनिश, तो सी सी तो प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है वो याद रखना, बराबर है, क्लियर, मालूम पड़ गया बेटा,